Hello everyone, welcome to all of you in this live webinar on the behalf of Vidya Mandir classes. This webinar is very useful for the students who are 12th passed or appearing this year in 12th. First of all, let me introduce myself. My name is Robin Garg and I am senior faculty of chemistry in Vidya Mandir classes. Today I am going to discuss halogen containing organic compounds, or you can say it as organic halides. तो start करते हैं आज की इस live webinar को. इससे आपको काफी अच्छा feel होगा. आपको लगेगा कि डेढ़ घंटे की webinar के अंदर आपका लगभग ये पूरा chapter, पूरा topic जो है एक अच्छे तरीके से cover हो गया है. और इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि JE mains में questions किस type के आते हैं chapter से और कितना उनका weightage होता है. आप खुद ही इस चीज को जज कर पाएंगे कि जेई मेंस के अंदर जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं वो क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं. जस्ट आपको समझना होता है, आपको ये समझना होता है कि कौन सी रिएक्शन क्वेश्चन में दी हुई है और उसी के बेसिस पर आपको रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते हुए आपको उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन को करना होता है. तो सबसे पहले मैं बिना देर किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ इसको. हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो जेई मेंस के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सबसे पहले मैं उसकी बात कर लेता हूं. तो जेई मेंस के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें 2019 की अगर हम बात करें तो 13 क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं दोनों शिफ्ट को मिला करके. मतलब दोनों मतलब जनवरी अटेम्प्ट एंड अप्रैल अटेम्प्ट दोनों को मिला करके 13 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं. और जेई मेन 2020 जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ओनली जनवरी अटेम्प्ट अभी तक हुआ है और इसके अंदर इसमें सिक्स क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं और अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर हम वेट कर रहे हैं कि कब ये अटेम्प्ट हो, कि एक्चुअल में वो अप्रैल अटेम्प्ट नहीं बनेगा, वो सितंबर अटेम्प्ट हो या फिर वो हो सकता है कि अक्टूबर अटेम्प्ट हो. तो देखते हैं कि क्या होता है. तो अभी अभी के लिए तो इसका मतलब ये कि अप्रैल अटेम्प्ट जो है वो वाला पेपर अभी तक नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं और उसी को प्लान करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं कि एक्चुअल में हमारे पास कुछ थोड़ा सफिशियंट टाइम है तो उसके अंदर हम इस चैप्टर को आराम से रिवाइज कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें चैप्टर के अंदर हम क्या क्या कंटेंट डिस्कस करने जा रहे हैं. तो ऑर्गेनिक हैलाइड वाला जो चैप्टर है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हैलोजन लगा हुआ होता है, जैसे कि मान लो हम बात करें टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड की, या फिर हम बात करें इथाइल क्लोराइड की, या फिर हम बात करें मिथाइल क्लोराइड की, तो ये सभी कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक हैलाइड्स हैं. या मिथाइल ब्रोमाइड की बात करें हम, तो ये सभी ऑर्गेनिक हैलाइड्स हैं. इन पर जब हम किसी रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है और कैसे कोई प्रोडक्ट बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्शंस को मैंने यहाँ पर चार कैटेगरी में क्लासीफाई किया है. SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, E1 रिएक्शन एंड E2 रिएक्शन. इसमें SN1 और SN2 जो रिएक्शन है ये अपनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में है भाई, क्योंकि SN का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. तो इसमें क्या होता है, एक्चुअल में इन रिएक्शंस के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप को सब्सट्रेट से सब्स्टिट्यूट करता है. दैट्स व्हाई दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो इसमें दो तरह की रिएक्शन आती है, एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, इसकी मोलिकुलरिटी 1 होती है, उसको हम कहते हैं SN1 रिएक्शन एंड दैट इज फर्स्ट टाइप. एंड SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन 2 मींस दैट 2 मींस हियर इज मोलिकुलरिटी. सो SN2 रिएक्शन मींस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मोलिकुलर रिएक्शन. E1 रिएक्शन एंड E2 रिएक्शन आर एलिमिनेशन रिएक्शन. इसमें क्या होगा कि इसका जो लीविंग ग्रुप होगा वो एलिमिनेट होगा और साथ में उसका बीटा पोजिशन पर जो ग्रुप होगा वो भी लीव करेगा. तो तरह से एल्किन का फॉर्मेशन होता है इन रिएक्शन के अंदर. एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जिसकी मोलिकुलरिटी 1 होगी और एलिमिनेशन होगा. और फोर्थ टाइप की रिएक्शन है एलिमिनेशन बाय मोलिकुलर रिएक्शन, जिसमें एलिमिनेशन होगा लेकिन उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 2 होगी. तो दीज आर फोर टाइप्स एंड इट इज द कंटेंट ऑफ टुडेस क्लास. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम SN1 रिएक्शन से. SN1 रिएक्शन के लिए इस बात को ध्यान में रखना है आपको कि जो हैलाइड यहाँ पर आप लोगे या जिस हैलाइड को लेकर के आप यहाँ पर रिएक्शन करोगे, दैट इज टर्सरी हैलाइड. दैट इज टर्सरी हैलाइड. टर्सरी हैलाइड का मतलब क्या होगा कि ऐसे कंपाउंड जिनमें हैलोजन जो ग्रुप है
क्लोराइड, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टर्सरी कार्बन से अटैच हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन है ये टर्सरी कार्बन है, इसकी डिग्री क्या है, 3 डिग्री, यहाँ पर इसकी डिग्री होगी 3 डिग्री। तो इसमें जो हेलोजन है वो टर्सरी कार्बन से अटैच्ड है, इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, टर्सरी हैलाइड नाम देंगे। जब इस टर्सरी हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं हम वीक न्यूक्लियोफाइल से, वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जैसे कि वाटर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एल्कोहल भी हो सकता है, वीक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ सकता है। तो या फिर हम मतलब ऐसा न्यूक्लियोफाइल जैसे कि हमारे पास मान लो दो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, एक तो नेगेटिव चार्ज का, एक आपके पास होता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है। तो नो डाउट नेगेटिव चार्ज की न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, सो इट विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और न्यूट्रल जो न्यूक्लियोफाइल होगा दैट विल एक्ट एज वीक न्यूक्लियोफाइल। इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। तो टर्सरी हैलाइड के ऊपर जब हम वीक न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिया है वीक न्यूक्लियोफाइल, देख सकते हो आप, दैट इज वीक न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हेलोजन यहाँ से लीव कर रहा है, तो हेलोजन यहाँ पर क्या कहलाएगा, हेलोजन यहाँ पर कहलाएगा लीविंग ग्रुप। आप क्लियर समझ सकते हो इस बात को कि हेलोजन यहाँ पर क्या है, हेलोजन इज लीविंग ग्रुप, लीव कर रहा है यहाँ पर, और साथ में न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन से आकर के अटैच हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल ने लिविंग ग्रुप को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और बनने वाला कंपाउंड होगा ये, और एक्स माइनस यहां से अलग हो चुका है, दैट इज बाई प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है इसकी अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो ये रिएक्शन 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। इस रिएक्शन के अंदर 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। इसका जो पहला स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि जब हम किसी एल्काइल हैलाइड को, टर्सरी हैलाइड के ऊपर वाटर की रिएक्शन कराते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है कि वाटर जस्ट यहाँ पर एक सॉल्वेंट का काम करता है। आप क्लियर जानते हो इस बात को कि वाटर जो होता है इसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ही हाई होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एक प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी कंपाउंड के अंदर 2 आयंस के बीच के अट्रैक्शन को कम करती है। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि भाई टर्सरी जो हैलाइड होता है, टर्सरी हैलाइड के अंदर क्या होगा, टर्सरी कार्बोकैटायन के बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, बिकॉज टर्सरी कार्बोकैटायन इज स्टेबल। तो टर्सरी कार्बोकैटायन के बन की स्टेबिलिटी ज्यादा होने के कारण जैसे ही आप उसको एक हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के सॉल्वेंट में डिजोल्व करोगे तो क्या होगा, तुरंत ही वहां पर Br निकलेगा, Br यहाँ से लीव करेगा, और Br के लीव करते ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप देख सकते हो कि टर्सरी कार्बोकैटायन बन के तैयार हुआ है। इसमें अगर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात की जाए, दैट इज sp2, कार्बन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहाँ पर इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है इस कार्बन के ऊपर, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, यहाँ पर इसके ऊपर एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब क्या हुआ कि स्टेप 2 में ये जो इंटरमीडिएट यहाँ से बना था, जो ये कार्बोकैटायन यहाँ पर बना था, टर्सरी जो कार्बोकैटायन बना है, इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अब हम जानते हैं कि H2O के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, क्योंकि इसके ऊपर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होगा, जो कि लॉन पेयर को दे सके, जो कि इलेक्ट्रॉन को दे सके। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है यहाँ पर कि जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट कर सकता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर को किसको देगा, इस कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में देगा। ये कार्बन का वैकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पर, ये कार्बन का यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इस कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल्स में लॉन पेयर का डोनेशन होगा, क्योंकि ये H2O के अंदर ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। अब ये ऑक्सीजन पर जो लॉन पेयर है, ये 2 साइड से अटैक कर सकता है, या तो फ्रंट अटैक कर सकता है, ए वाले अटैक को मैं नाम दे रहा हूँ फ्रंट अटैक, एंड बी अटैक मतलब जो पीछे की तरफ से अटैक हो रहा है, बैकवर्ड जो अटैक हो रहा है, तो ये बैकवर्ड अटैक है, बी अटैक इज बैकवर्ड अटैक, ए अटैक इज फ्रंट अटैक, फ्रंट मतलब सामने से अटैक किया है उसने। तो जब आप ऑक्सीजन के लॉन पेयर का इसके वैकेंट ऑर्बिटल में फ्रंट अटैक कराओगे तो क्या होगा, R1 तो ग्रुप ऊपर लगा हुआ है, R2 ग्रुप लेफ्ट साइड हो जाएगा, R3 ग्रुप नीचे की तरफ आ जाएगा, और जो ये H2O ऑक्सीजन जो है अपने लॉन पेयर जब डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन पे देखो पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज लगाया है मैंने, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने लॉन पेयर को दे दिया है। तो ऑक्सीजन ने लॉन पेयर को दिया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया और ये कार्बन से आकर के जुड़ गया। और बैकवर्ड अटैक अगर होगा तो ये जो H2O जो ग्रुप है ये पीछे की तरफ आकर के लगेगा,
तो देखो ओ प्लस जो है ये पॉजिटिव वाला जो ग्रुप है ये यहाँ पर पीछे की तरफ से आकर के लगा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि दोनों में से, अब जैसे ऑक्सीजन पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज लगाओगे तो स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो क्या हुआ, स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कहाँ से करेगा। अब ऑक्सीजन पे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, हाइड्रोजन से आएंगे, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, लोन पेयर को ले लेगा यहाँ से, सॉरी इस एच बॉन्ड, यहाँ पर एच के साथ जो बॉन्ड बना हुआ था इससे इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन लिए तो एच प्लस निकल के भागेगा यहाँ से, इसमें यहाँ से लोन पेयर को, इसमें ओ एच बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ओ प्लस ने ले लिया है, तो दोनों से एच प्लस निकलेगा। और एच प्लस निकलने पर एक प्रोडक्ट तो ये होगा जो मैंने आपके सामने बना रखा है, ए वाला प्रोडक्ट, इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एंड बी प्रोडक्ट विल बी दिस। तो यहाँ पर होता है कि रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इसमें रिएक्शन के अंदर एक्चुअल में देखा जाए तो फ्रंट अटैक भी हो रहा है और बैकवर्ड अटैक भी हो रहा है। कौन सा अटैक ज्यादा होता है, स्लाइटली जो इनवर्ट, मतलब स्लाइटली जो यहाँ पर बैकवर्ड अटैक होता है वो स्लाइटली ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि आपको देख करके ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं और दोनों प्रोडक्ट क्या सेम क्वांटिटी में बनेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में यहाँ पर अगर सेम क्वांटिटी में बनते तो रेसिमिक मिक्सचर ऑब्टेन होता। एक्चुअल में अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस रिएक्शन के अंदर 80 से 96% तो रेसिमाइजेशन होता है और 4 से 20% यहाँ पर इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन स्लाइटली ज्यादा होता है क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब उसमें बैकवर्ड अटैक करने की जो टेंडेंसी होती है वो यहाँ पर क्या होती है, ज्यादा होती है। अब इस रिएक्शन के हम रेट लॉ की बात करें तो रिएक्शन का जो रेट लॉ होगा, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट स्टेप होता है बेटा वो आरडीएस होता है। पहला जो स्टेप है वो क्या है, आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इस रिएक्शन का रेट लॉ किससे लिखा जाएगा, इस रिएक्शन का रेट लॉ फर्स्ट स्टेप से लिखा जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्या यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, नहीं, H2O तो जस्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, मीडियम का काम कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह यूज हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल तो यूज हुआ ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज कहाँ पर हो रहा है, इस रिएक्शन के अंदर, इस वाले स्टेप के अंदर हो रहा है। तो सेकेंड स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, फर्स्ट स्टेप में किसका काम कर रहा है, जस्ट ये एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है, मीडियम का काम कर रहा है। तो क्या रिएक्शन की जो रेट होगी वो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगी, नहीं करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो रेट लॉ होगा दैट विल बी आर इज इक्वल टू के, के क्या है, रेट कांस्टेंट है, एल का एल एड की पावर, कंसंट्रेशन की पावर 1, क्योंकि इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 होगी, क्योंकि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक से ज्यादा स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप क्या होता है, एलिमेंट्री होता है। इसलिए जो सब्सट्रेट का जो कॉफिशेंट होगा वही उसकी ऑर्डर होगी। तो एल्का एलाइड का जो कॉफिशेंट था फर्स्ट स्टेप के अंदर दैट इज इक्वल टू 1, तो इसलिए इस रिएक्शन के अंदर एल्का एलाइड की पावर मैंने क्या लगा दी, 1 कर दिया। और न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, आप देख सकते हो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इस रिएक्शन की जो रेट होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, ओनली एंड ओनली एल्का एलाइड की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। तो रिएक्शन की जो ऑर्डर आएगी वो क्या आएगी, 1+0। तो रिएक्शन की ऑर्डर क्या आ रही है, 1+0=1। और रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी भी क्या है, 1 है, एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है इसके अंदर। दूसरी चीज आपने इसके अंदर देखी, ये एक्चुअल में क्या है, की पॉइंट्स है अपने लिए, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने लिखे गए हैं। SN1 रिएक्शन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिससे कि हम क्वेश्चन को डायरेक्टली बहुत ही इजिली समझ पाए। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि कार्बोकैटायन का जो बनना है वो आरडीएस होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन आरडीएस होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, पहला स्टेप देखा आपने। सो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, ध्यान से देखना, सो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब जितना कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उतनी रिएक्शन की रेट भी ज्यादा होगी। अगर कम स्टेबल कार्बोकेटायन है तो रेट कम होगी, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है तो रेट ज्यादा होगी। और दूसरा किस्ट है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज पॉसिबल इन दिस रिएक्शन।
जैसे कार्बोकैटायन का हम रीअरेंजमेंट करते हैं ना, कि अगर कार्बोकैटायन की एडजेसेंट पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज लगाने से वो स्टेबल हो सकता है, अगर कार्बोकैटायन की एडजेसेंट पोजीशन जो है अगर वहां पर हम उस पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट कर दें और वो स्टेबल हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, एक थ्री मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना करके उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। थ्री मेंबर, ध्यान रखना, थ्री मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसमें। चलिए, अब जो तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन, क्यों? आपने एग्जांपल जैसे देखा था वाटर, पोलर प्रोटिक मतलब क्या हो, पोलर होना चाहिए जिसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, और प्रोटिक मतलब जिससे प्रोटॉन को रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसके लिए रिएक्शन को फेवर करता है। जैसे आप वाटर को यूज किया, आप मिथेनॉल को यूज कर सकते हो, आप इथेनॉल को यूज कर सकते हो, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इस रिएक्शन को क्या करते हैं, फेवर करते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि इस रिएक्शन की जो रेट होती है वो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करती है। हाँ बिल्कुल, जो रेट लॉ आपने लिखा था उसके अकॉर्डिंग यही तो था कि न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करती है। तो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करती है तो इसमें कौन सा न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन को फेवर करेगा, तो हम क्लियर कह सकते हैं कि वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1 रिएक्शन, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर रिएक्शन की रेट डिपेंड करती तो हम क्या बोलते कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1 रिएक्शन। लेकिन फर्स्ट स्टेप तो क्या है, RDS है, और उसमें न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बिना ही इंटरमीडिएट बन गया है और वो स्टेप RDS है, इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन की रेट न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करती है, इसका मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन को फेवर करता है। अब चलिए इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि भाई SN1 रिएक्शन की रेट का ऑर्डर क्या होगा, कौन सी केस में SN1 रिएक्शन फास्ट होगी। तो जैसे अपने पास फर्स्ट कंपाउंड है CH3CH2Cl, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर इस Cl को आप यहाँ से हटाएंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा CH3CH2+। अगर आप Cl को इधर से हटाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इधर से अगर आप Cl को रिलीज करोगे, लीविंग ग्रुप को हटाओगे, तो कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बताइए तीनों केस में से स्टेबल कार्बोकैटायन किस में फॉर्म हो रहा है, तो इसमें थर्ड वाले स्टेप में कार्बोकैटायन स्टेबल है। भाई अगर इन तीनों कंपाउंड को मैं नाम देता हूँ, सपोज A, B और C, ये मैंने नाम दे दिया इनको, तो यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट वाला जो कार्बोकैटायन होगा ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे लीस्ट स्टेबल होगा फर्स्ट वाला, और सबसे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा, थर्ड वाला होगा। तो सी वाले की रेट सबसे ज्यादा होगी, बी वाले की रेट उससे कम होगी, और ए वाले की रेट सबसे कम होगी। आप ये भी तो कह सकते हो कि जो फर्स्ट आपका जो कार्बोकैटायन, जो आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन होता है उसका इंडक्टिव इफेक्ट के कारण भी स्टेबल है, दूसरी बात उसमें अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा है। आप देखो थर्ड वाला जो सी ऑप्शन के अंदर, सी वाले पार्ट में जो कार्बोकैटायन बन रहा है उसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 9 अल्फा हाइड्रोजन है उसके अंदर, 9 अल्फा हाइड्रोजन। सेकेंड वाले केस में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, और फर्स्ट वाले केस में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। तो नो डाउट थर्ड कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंड, एंड सेकेंड विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट। चलिए अब इसके बाद हम बात करें क्या होगा कि ये जो सेकंड आपने एग्जांपल लिया है इसमें अगर यहाँ से हम भाई लिविंग ग्रुप को हटा कर तो पता चलेगा ना कार्बोकैटायन कौन सा फॉर्म हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से इस Br को हटा देता हूँ तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसे यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक्चुअल में ये पॉजिटिव चार्ज को मैं हटाई देता हूँ कि जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड वाले केस में कार्बोकैटायन यहाँ पर आएगा इस वाले कार्बन पर, और थर्ड वाले केस में कार्बोकैटायन इस कार्बन पे आएगा। जब हम फर्स्ट का कंपाउंड, जो फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है इसका अगर हम कार्बोकैटायन बनाते हैं तो कार्बोकैटायन कुछ ऐसे बनेगा। सेकेंड वाले केस में अगर हम कार्बोकैटायन ड्रॉ करते हैं कि कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, तो सेकेंड वाले का कार्बोकैटायन ये बनेगा, और थर्ड का जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ऐसे बनेगा।
आपको पता है कि जो थर्ड वाला जो कंपाउंड है ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक। है कि नहीं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। सेकंड वाला जो कंपाउंड है दैट इज नॉन एरोमेटिक। फर्स्ट कंपाउंड कैसा है, फर्स्ट कंपाउंड इज एरोमेटिक। आप जानते हो कि एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो फर्स्ट वाला कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, रेट सबसे ज्यादा फर्स्ट वाले केस में होगी। नॉन एरोमेटिक उससे कम स्टेबल होगा और एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होगा। तो फर्स्ट वाले केस में रेट सबसे ज्यादा होगी, सेकंड वाले केस में रेट उससे कम होगी और थर्ड वाले केस में रेट उससे भी कम होगी। तो थर्ड वाले की रेट सबसे कम होगी और फर्स्ट वाले की रेट सबसे ज्यादा होगी। अब थर्ड एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो फिर से। थर्ड में अगर आप कंपेयर करो तो एक्चुअल में यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है वो तो सब में सेम ही दे रखा है, आर लिखा हुआ है। अब जो लिविंग ग्रुप है वो यहाँ पर डिफरेंट है, इसमें लिविंग ग्रुप ये आ गया, इसमें लिविंग ग्रुप यहाँ से PHCO- हो जाएगा और इसमें लिविंग ग्रुप आ जाएगा PHO- हो जाएगा। अब तीनों केस में लिविंग ग्रुप अलग अलग है, तो लिविंग ग्रुप के लीव करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही रिएक्शन की रेट भी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट वाले केस में PHSO3-, वीक बेस हमेशा एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वीक बेस हमेशा एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इस बात को याद रखिए। तो इस वाले केस में जो लिविंग ग्रुप है, फर्स्ट वाले केस में जो लिविंग ग्रुप बन रहा है दैट इज PHSO3-। सेकंड केस में जो लिविंग ग्रुप बन रहा है दैट इज PHCO-। एंड इन थर्ड केस जो लिविंग ग्रुप बन रहा है दैट इज PHO-। आपने एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना सीखा है। अब जानते हो कि अगर PHSO3H को देखा जाए कि भाई इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ PHCOH और PHOH से कंपेयर की जाए तो PHSO3H की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें 3 इक्विवेलेंट आरएस बनते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है 3 इक्विवेलेंट। PHCO- के अंदर PHCO- जो है ये अपने पास जो कॉन्जुगेट बेस बना हुआ है इसके अंदर 2 इक्विवेलेंट आरएस बनेंगी और PHO- के अंदर इक्विवेलेंट आरएस नहीं होंगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट वाला जो कॉन्जुगेट आयन है ये ज्यादा स्टेबल है, सेकंड वाला कॉन्जुगेट आयन थोड़ा कम स्टेबल है और थर्ड वाला कॉन्जुगेट आयन सबसे कम स्टेबल है। तो फर्स्ट वाले का जो एसिड होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और थर्ड वाले का जो एसिड होगा वो सबसे वीक एसिड होगा। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कॉन्जुगेट आयन वीक बेस होगा। तो फर्स्ट वाले केस में क्या होगा कि ये जो कॉन्जुगेट आयन आपने बनाया है ये वीक बेस है, क्योंकि इसका एसिड स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट आयन हमेशा क्या होता है, वीक बेस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में जो सबसे वीक बेस आपको मिलने वाला है तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप इसमें कौन है, फर्स्ट वाला है, तो इसके लीव करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। सेकंड वाले के लीव करने की टेंडेंसी उससे भी कम होगी और थर्ड वाले के लीव करने की टेंडेंसी उससे भी कम हो जाएगी। तो फर्स्ट वाले केस में, मतलब ए वाले केस में, उसकी जो रेट है, रिएक्शन की जो रेट होगी वो सबसे ज्यादा होगी और थर्ड वाले केस में रेट सबसे कम होगी। अब हम देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। अगर यहाँ पर हम ब्रोमीन को हटा देते हैं, ब्रोमीन को लीव कराते हैं, तो क्या होगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरीके से, और यहाँ पर सेकंड वाले केस में अगर मैं ब्रोमीन को लीव कराता हूँ तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। अब जरा देख करके बताओ इसमें कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट वाले केस में तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और सेकंड वाले केस में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 1 अल्फा हाइड्रोजन है। इस कार्बन पर एक ही तो अल्फा हाइड्रोजन होगा, एक ही तो हाइड्रोजन होगा इस कार्बन पे, और इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। तो फर्स्ट केस में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है,
सेकंड केस में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम है, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल। और फर्स्ट अगर मोर स्टेबल होगा तो इसमें SN1 रिएक्शन की रेट भी ज्यादा होगी, तो फोर्थ का आंसर होगा ए ग्रेटर देन बी। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा SN1 रिएक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं SN2 रिएक्शन में। ये पहला टाइप था SN1 रिएक्शन का, जिसमें आपने क्या देखा कि जब हम किसी टर्शरी एल्काइल ऐड पर वीक न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं तो वो क्या करता है, तो वो वीक न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप को वहां से हटा देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, और इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। SN2 रिएक्शन जो है वो प्राइमरी एल्काइल ऐड के केस में मेनली ऑब्जर्व होती है, टर्शरी के केस में ऑब्जर्व नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये उन सब्सट्रेट के अंदर पाई जाती है जिनके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। आप स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल लेकर के चल रहे हो, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है और प्राइमरी एल्काइल ऐड आपने यूज किया है, तो कंफर्म सी बात है कि न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पर अटैक किया होगा और हेलोजन ग्रुप यहां से लीव किया होगा। तो हेलोजन लीव किया, हेलोजन इज लिविंग ग्रुप, दैट इज लिविंग ग्रुप, एंड न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैच हो गया, मिथाइल ग्रुप पे अटैच हो गया। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब इसकी अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैंने क्या ले लिया, यहां पर प्राइमरी एल्काइल ऐड ले लिया, मैंने यहां पर प्राइमरी एल्काइल ऐड को यूज किया। ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, वन स्टेप रिएक्शन है ये, तो नो डाउट जो एक ही स्टेप है वही RDS होने वाला है। तो इसमें क्या होता है कि एक ही स्टेप के अंदर बॉन्ड फिजन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों एक साथ हो जाती हैं। जैसे आपने देखा कि जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो अटैक करने से पहले ही, बिना न्यूक्लियोफाइल के अटैक करे ही, लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, जबकि सेकेंड स्टेप में क्या होता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना और लिविंग ग्रुप का लीव करना दोनों प्रोसेस एक साथ होती है, बॉन्ड फिजन और बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस दोनों एक साथ होती है। इसमें क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा इस कार्बन पर बैकसाइड अटैक करता है और हेलोजन इस तरह से फिर यहां पर लीव करता है, तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनके तैयार होती है। ये ट्रांजिशन स्टेट बनके तैयार हो गई है, इसमें इस कार्बन के ऊपर तीनों हाइड्रोजन, देखो तीनों हाइड्रोजन एक साथ लगे हुए हैं, न्यूक्लियोफाइल ने बैकसाइड अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल देखो पीछे की तरफ लगा हुआ है। एफ का मतलब है बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और बी का मतलब है बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है। इसके बाद क्या होगा कि बॉन्ड फिजन और बॉन्ड ब्रेकिंग, ये जो इंटरमीडिएट क्या होता है, बहुत ही मतलब इसका लाइफ टाइम जो होता है, लाइफ पीरियड जो होता है बहुत ही कम होता है, तो अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल इसमें आकर के लग जाता है CH3 ग्रुप पर और हेलोजन यहां से लीव कर जाता है। तो यहां पर जो कार्बोकैटायन, यहां कोई कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहां सिंपली एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि यहां पर कार्बोकैटायन अगर नहीं बनेगा तो रिएक्शन की जो रेट होगी वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि टर्शरी के केस में स्टेबिलिटी, टर्शरी के केस में रिएक्शन की रेट ज्यादा हो और प्राइमरी के केस में रेट कम हो, इसमें ऐसा ऑब्जर्व नहीं होता है। तो रिएक्शन के रेट लॉ की अगर बात की जाए तो रेट लॉ में क्या हो रहा है, आप देख सकते हो कि जो पहला आपका स्टेप है, मतलब एक ही स्टेप है, इसमें एल्काइल ऐड भी पार्टिसिपेट कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी हो रहा है, बिना इसके अटैक के यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म नहीं हो सकती है। इसका मतलब रिएक्शन की रेट दोनों पर डिपेंड करेगी, एल्काइल ऐड पे भी डिपेंड करेगी और न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगी। तो रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगी, 2 के इक्वल होगी और मॉलिकुलरिटी भी 2 होगी, क्योंकि यहाँ पर इस स्टेप के अंदर 2 रिएक्टेंट, दोनों ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं, दोनों ही रिएक्टेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब रिएक्शन की रेट न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करती है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 रिएक्शन। इस रिएक्शन को फेवर कौन करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसको फेवर करता है।
तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। हाँ बिल्कुल सही बात है कि एक्चुअल में ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ओनली ट्रांजिशन स्टेट का ही फॉर्मेशन होगा। सबस्ट्रेट लेस स्टेरिक एंड्राइड होना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही सोचो कि अगर मैं यहाँ पर इन तीनों हाइड्रोजन की जगह पर अगर यहाँ पर तीन मिथाइल ग्रुप लगा देता तो क्या होता कि इस कार्बन के ऊपर अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल को स्पेस तो मिलता ही नहीं, और स्पेस नहीं मिलता तो फिर क्या यहाँ पर बैकवर्ड अटैक करके वो हेलोजन को या लिविंग ग्रुप को वहां से हटा पाता, सब्स्टिट्यूट कर पाता, नहीं कर पाता। इसलिए मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि SN2 रिएक्शन के लिए सब्सट्रेट का लेस स्टेरिक हिंडर्ड होना जरूरी है। चलो देखते हैं कि रिएक्शन क्या, इसमें दो एग्जांपल लेकर के चेक करते हैं कि भाई कौन से केस में SN2 रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी, हमें कंपेयर क्या करना है। राइट द ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन, ये SN2 रिएक्शन के ऑर्डर को हमें बताना है। पहला जो एग्जांपल है इसमें हेलोजन जिस कार्बन पर लगा हुआ है वो कार्बन कैसा है, प्राइमरी है। इसमें हेलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कार्बन सेकेंडरी है, और इसमें हेलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है ये कार्बन टर्शरी है। तो कौन से केस में रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी, प्राइमरी के केस में, क्यों, क्योंकि वो लेस स्टेरिक एंड्राइड है। सेकेंडरी वाले केस में थोड़ा स्टेरिक एंड्रेंस बढ़ गई है, और टर्शरी के केस में तो स्टेरिक एंड्रेंस बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि बल्कि ग्रुप लग गए तीन। तो फर्स्ट वाले केस में स्टेरिक एंड्रेंस सबसे ज्यादा है, उल्टा हो गया, फर्स्ट वाले केस में स्टेरिक एंड्रेंस सबसे कम है, इसलिए फर्स्ट वाले केस में रेट सबसे ज्यादा होगी। चलिए तो फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हुआ होगा। अब हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। इसमें आपको स्टेरिक एंड्रेंस चारों कंपाउंड के अंदर सेम है, आप देख सकते हो कि ये कार्बन भी प्राइमरी है, ये कार्बन भी प्राइमरी है, ये कार्बन भी प्राइमरी है, और ये कार्बन भी प्राइमरी है, वन डिग्री है। लेकिन लिविंग ग्रुप डिफरेंट है, इसमें फ्लोरीन लिविंग ग्रुप है, इसमें क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, इसमें ब्रोमीन और इसमें आयोडीन लिविंग ग्रुप है। कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है, नो डाउट आई माइनस जो होगा, कॉन्जुगेट जो आयन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हम चारों आयन के एसिड की बात करें, एच एफ, एस सी एल, एच बी आर, एच आई, तो चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एच आई, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर उसका कॉन्जुगेट आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब वो सबसे वीक बेस होगा। इसका मतलब सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन है, आई माइनस, क्योंकि वीक बेस हमेशा एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप, बढ़िया लिविंग ग्रुप यहाँ पर आयोडीन आई माइनस हो गया, तो फ्लोरीन माइनस बैड लिविंग ग्रुप हो गया, आई माइनस बेस्ट लिविंग ग्रुप हो गया यहाँ पर। तो डी के अंदर रेट सबसे ज्यादा होगी, उससे कम सी, उससे भी कम बी के अंदर होगी, और ए वाले केस में रेट सबसे कम होगी क्योंकि आई माइनस इज बेस्ट लिविंग ग्रुप अमंग फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि CH3O-K+ एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। PHS-K+ या PHS-Na+, K+SH- इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। KCN, K+ और CN-
ए प्लस एंड सी एन माइनस, ऐसे एन ए प्लस एंड सी एन माइनस, सी एन माइनस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, पी एच एस माइनस के प्लस, पी एच एस माइनस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे एस एन वन में था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एस एन वन को फेवर करता है, तो वैसे ही पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एस एन टू को फेवर करता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में कौन कौन से आएंगे, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड डीएमएसओ, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल एसिटामाइड डीएमए बोलते हैं शॉर्ट में, डीएमएफ, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, एसिटॉन और क्राउन ईथर, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल हैं। डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा लेकिन रिलीजेबल एच प्लस आयन नहीं होगा, इसलिए इनको बोल रहे हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एस एन टू रिएक्शन के अंदर वॉल्डन इन्वर्जन होता है क्योंकि बैकसाइड अटैक होता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एस एन टू रिएक्शन के अंदर वॉल्डन इन्वर्जन होता है, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि अगर रिएक्टेंट जो आपको दिया गया है, सब्सट्रेट अगर दिया गया है, मान लो कि उसका कॉन्फ्यूगुरेशन आर है, तो बनने वाले प्रोडक्ट का कॉन्फ्यूगुरेशन ऑलवेज एस होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये कंपलसरी है कि वॉल्डन इन्वर्जन होगा, मतलब कि जो अटैक होगा वो ऑलवेज बैकसाइड अटैक होगा, तो ये चीज का ध्यान रखना है। इसके अंदर कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या SN2 रिएक्शन के अंदर ऑलवेज कॉन्फ्यूगुरेशन चेंज होता है, नहीं, ऑलवेज कॉन्फ्यूगुरेशन चेंज नहीं होता है। हाँ, लेकिन न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑलवेज बैकसाइड होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप देखो इसके अंदर ये जो मैंने सब्सट्रेट लिया है, ये कैसा है, कैसा हैलाइड है, प्राइमरी हैलाइड है कि नहीं, और जो मैंने यहां पर लिया है न्यूक्लियोफाइल, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, प्राइमरी एल्काहैलाइड प्लस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन विल बी SN2, तो CH3O- का बैकसाइड अटैक होगा और क्लोरीन यहां से लीव कर जाएगा, इस वाले कारण पर अटैक हो रहा है, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मिथाइल एज इट इज और ये डी ग्रुप एज इट इज, और यहां पर मैंने लगा दिया OCS3 मिथॉक्साइड आयन, और H यहां पर इधर आ गया, Cl तो निकल गया है, आप चाहो तो लिख सकते हो K प्लस और Cl माइनस से क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा। सेकेंड रिएक्शन है जिसमें मैंने यहां पर एल्का हैलाइड लिया है, ये भी फिर से यहां पर प्राइमरी एल्का हैलाइड है, इस पर NaI एसीटोन की रिएक्शन कराओगे, इस रिएक्शन का नाम होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें जब हम क्या करते हैं कि एल्का हैलाइड की रिएक्शन NaI एसीटोन, एसीटोन देखो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, बताया था आपको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और NaI आप देख सकते हो Na प्लस और I माइनस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, प्राइमरी हैलाइड, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN2 फेवरेबल है, तो अब क्या करोगे, आई माइनस का अटैक कराओगे। अब यहाँ फ्रंट और बैक वाला काम तो है ही नहीं क्योंकि ब्रोमीन लगा हुआ है ऊपर, तो कौन सी बड़ी बात है, ब्रोमीन को हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर लेकर के आ जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि किसी एक ग्रुप को फिक्स करते हुए बाकी अगर तीन ग्रुप को रोटेट कराता हूँ तो उसका कॉन्फ्यूगुरेशन नहीं बदलता है। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो कंपाउंड यहाँ दिया हुआ है, इस कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन को हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर लेकर के आता हूं, तो देखिए मैं कैसे लेकर के आ रहा हूं। मान लो मैं C2H5 को ले लेता हूं फिक्स, इसको मैंने कर दिया फिक्स, इसको फिक्स करने के बाद मैंने इन सबको रोटेट कराया, ब्रोमीन को इधर, डी को एच की पोजीशन पर और एच को बीआर की पोजीशन पर, जब हमने इसको इंटरचेंज कराया तो क्या बना, इससे ये बनेगा कि डी तो आ जाएगा लेफ्ट साइड, बी आर आएगा राइट साइड, और यहाँ पर एच वर्टिकल पोजीशन पे चला जाएगा
और C2H5 ये भी वर्टिकल पोजीशन पर पहले से फिक्स है, C2H5 तो फिक्स है, D जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर रहेगा लेकिन लेफ्ट साइड चला जाएगा, H ऊपर पहुंच जाएगा और BR यहां पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर राइट साइड आ जाएगा। अब I माइनस का अटैक करा सकते हो, इधर से बैक साइड अटैक कराना है, ये देखो ये बैक साइड अटैक कराया मैंने I माइनस पर, I माइनस का, और यहां से ब्रोमीन करेगा लीव, I माइनस का अटैक करते ही ब्रोमीन यहां से लीव करता है तो क्या बनेगा, H फिक्स है, C2H5 भी फिक्स है, ये एज इट इज रहे, आयोडीन पीछे आकर के लगेगा और D आ जाएगा आगे की तरफ, राइट हैंड साइड लग जाएगा। इसका बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा ये इस तरीके से बनेगा फेंकलिस्टीन रिएक्शन के अंदर। अगर मान लो कि ब्रोमीन पहले से हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अब आप चाहो तो अब ये काम कर सकते हो कि भाई कि सर ये जो आयोडीन है, आप पूछ सकते हो कि सर ये आयोडीन क्या ये प्रोडक्ट की फॉर्म में इसी तरीके से मिलेगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि आपको जो ऑप्शंस मिले उन ऑप्शंस में आयोडीन वर्टिकल पोजीशन पर दिया जाए, क्योंकि जो सब्सट्रेट आपको दिया हुआ है, जो रिएक्टेंट आपको दिया हुआ है, उसमें ब्रोमीन हेलोजन पहले से वर्टिकल पोजीशन पे है, तो ये पॉसिबल है कि आयोडीन जो है ऑप्शंस के अंदर आपको वर्टिकल पोजीशन पे मिले। तो उसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि C2H5 को फिक्स कर देता हूँ। अब इनको घुमाता हूँ, आयोडीन को H की पोजीशन पर, H को D की पोजीशन पर और D को I की पोजीशन पर। इससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, इससे बनने वाला प्रोडक्ट ये होगा, इथाइल तो हो गया एज इट इज, डी आ गया आपका लेफ्ट साइड, एच राइट साइड और आई पहुंच गया ऊपर। तो इसका बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, ये है प्रोडक्ट इसका, ये है फाइनल आंसर। ठीक है, अब लेते हैं इसका थर्ड एग्जांपल, ये सेकंड था, हाँ थर्ड एग्जांपल, एल्का हैलाइड और एक्वस KOH। अब एक्वस KOH होगा तो देखो ध्यान से, K प्लस OH माइनस स्ट्रॉन्ग निक्लोफाइल, ये फिनाइल पर, फिनाइल जो ग्रुप है इस पर BR ग्रुप लगा हुआ है, हेलोजन पर अगर मतलब कि अगर बेंजीन रिंग पर BR ग्रुप लगा हुआ होगा तो ब्रोमीन पर जो लॉन पेयर होगा वो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन और ब्रोमीन के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगी, यहाँ पर इस बॉन्ड के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगी यहाँ पर। अब पार्शियल अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगी तो आप क्या कह सकते हो, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और बॉन्ड की अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उस बॉन्ड को ब्रेक कर पाना डिफिकल्ट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ब्रोमीन तो नहीं निकल सकता है। मैंने ब्रोमीन आपको क्यों सोचने के लिए मजबूर किया, क्योंकि एक्चुअल में ब्रोमीन की लीविंग ग्रुप टेंडेंसी क्लोरीन से ज्यादा है। अगर ब्रोमीन की लीविंग ग्रुप टेंडेंसी, लीव करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो यहाँ से ब्रोमीन को लीव करना चाहिए था, लेकिन कार्बन और हेलोजन के बीच, कार्बन और ब्रोमीन के बीच जो बॉन्ड अटैच है, बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो वहां से हेलोजन का लीव करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो यहां से ब्रोमीन नहीं निकलेगा। इस OH- का अटैक कहां पर होगा, इस OH- का अटैक होगा बैक साइड इस वाले कार्बन पर, और यहां से क्लोरीन लीव करेगा, तो इससे बनने वाला कंपाउंड ये बेंजीन रिंग एज इट इज CH2, OH ग्रुप ने बैक साइड अटैक किया, ब्रोमीन एज इट इज आ गया, और K प्लस और Cl माइनस से बना सकते हो KCl। तो थर्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट ये होगा, CH3Br की एक्वस QOH से करोगे। अब ये तो बिल्कुल आसान सी रिएक्शन है जो आपके NCERT में दे रखी होंगी, K प्लस OH माइनस, OH माइनस का यहाँ पर बैक साइड अटैक हुआ और ब्रोमीन निकला,
तो फर्स्ट वाले केस में तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सी एच थ्री ओ एच प्लस के बी आर एन ए सी एन, क्या प्रोडक्ट बनेगा, एन ए प्लस और सी एन माइनस, सी एन माइनस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम कर रहा है तो ये अटैक करेगा मिथाइल पर, ऐसे बनेगा सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और बाकी आप यहां पर रिमेनिंग एन ए बी आर लिख सकते हो, एन ए एन थ्री सोडियम एजाइड बोलते हैं इसको, तो सोडियम पे प्लस एन थ्री पे माइनस, एन थ्री माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये सी एस थ्री पे अटैक करेगा और ब्रोमीन को निकालेगा, तो इससे क्या बनेगा सी एस थ्री एन थ्री बन जाएगा मिथाइल एजाइड, और बाकी रिमेनिंग यहाँ पर एन ए बी आर ए जी सी एन, ए जी सी एन एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, ए जी सी एन इज कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट होने के कारण ए जी प्लस सी एन माइनस आप इसको नहीं लिख सकते हो क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहाँ पर कार्बन नहीं नाइट्रोजन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहाँ पर कौन होगा, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का जब मिथाइल पर अटैक होगा तो मिथाइल ग्रुप के कार्बन से नाइट्रोजन नाइट्रोजन अटैच होगा, कार्बन अटैच नहीं होगा, तो यहां से बनेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो ध्यान रखना इस बात को, NaCN और KCN को अगर आप रिएक्टेंट यहां पर रिएजेंट यूज करते हो तो यहां पर साइनाइड विल बी मेजर प्रोडक्ट, और अगर आप सिल्वर साइनाइड को यूज कर रहे हो एज ए रिएजेंट तो यहाँ पर कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर का अटैक होगा मिथाइल ग्रुप पर, तो मिथाइल ग्रुप से नाइट्रोजन अटैच होगा तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, एक मिनट इसमें मैंने एरो को उल्टा लिख दिया है, इस तरीके से, लेकिन लोन पे इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन पे है ना, ये आइसोसाइनाइड बनके तैयार होगा इसमें, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है इवन रिएक्शन, अब अगर हम इवन रिएक्शन की बात करते हैं तो इवन रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस आती हैं, तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन इसके अंदर आएगी और डीहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये दो तरह की रिएक्शन आती है इसके अंदर, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें भी मैंने क्या यूज किया है, टर्सरी हैलाइड को यूज किया है और वाटर यूज किया है और साथ में इसको हीट किया है, कई जगह पर ये हॉट वाटर भी लिखा हो सकता है, बॉइलिंग वाटर भी लिखा हो सकता है, तो समझ लेंगे इसको आप। अच्छा, एक यहां पर हीट वाला जो पोर्शन है ये भी दिया हुआ है, अगर आप इसको SN1 से कंपेयर करो तो वहां पर बस हीटिंग नहीं था, बाकी सब कुछ सेम था, और प्रोडक्ट क्या बन गया था, BR हट गया था और OH लग गया था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई थी, तो हीट करने पर यहाँ रिएक्शन एलिमिनेशन में कैसे कन्वर्ट हुई, कैसे यहाँ पर इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, कैसे ये एल्किन का फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो रिएक्शन है ये भी टू स्टेप इन्वॉल्व है, इसके अंदर भी दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, पहले स्टेप में बिल्कुल वही कि जैसे ही आप टर्सरी एल्काइल ऐड को, भाई ये कार्बन है इसका, इसकी डिग्री जो है वो 3 डिग्री है, टर्सरी कार्बोकैटायन का बनना बहुत ही फास्ट होता है क्योंकि रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, तो टर्सरी कार्बोकैटायन क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर हम बात करेंगे तो इस पर जैसे ही वाटर को आप इसमें डिजोल्व करोगे तो फटाफट से यहाँ पर ब्रोमीन निकलेगा और यहाँ पर टर्सरी कार्बोकैटायन बन के तैयार होगा। अच्छा, आप ही सोच रहे होंगे कि स्टेप वन और स्टेप टू में फिर ये RDS क्यों हो गया, क्योंकि ये स्टेप तो फास्ट हो गया, फिर एक्चुअल में वो स्टेप टू के कंपैरिजन में तो स्लो ही रहेगा, अगर आप देखोगे तो दो स्टेप हैं, तो स्टेप वन स्टेप टू से तो स्लो ही है, इसलिए उस स्टेप को हम RDS बोल रहे हैं। स्टेप टू के अंदर क्या होगा कि ये जो अपने पास टर्सरी कार्बोकैटायन है, अब ये OH- हीट जो वाटर था अपने पास और उसको हम बॉइलिंग वाटर को यूज कर रहे थे, एक्चुअल में यहाँ पर हम हाई टेम्परेचर को यूज कर रहे हैं और हाई टेम्परेचर पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बेस का काम करता है,
तो हाई टेम्परेचर पे न्यूक्लियोफाइल बेस का काम करेगा तो उसका अटैक किस पे होगा, एसिडिक हाइड्रोजन पे होगा। तो ये डायरेक्टली OH माइनस इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा कि ये OH माइनस डायरेक्टली इस पे अटैक कर दे, इस पे अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ OH माइनस किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का नहीं, बेस का काम कर रहा है यहाँ पर ये। तो OH माइनस यहाँ न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, इसलिए इसका अटैक एसिडिक हाइड्रोजन पे होगा, इधर अटैक होगा। और ये फिर CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता ही है, ये CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन में है। OH माइनस का अटैक हुआ इस वाले H के ऊपर, ये H एसिडिक नेचर का है, तो जैसे इस पर अटैक हुआ तो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए इस C पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ क्या तैयार होगा, तो यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ये एल्कीन बन के तैयार होगा। ये देखो अब यही काम अगर हम करें डिहाइड्रेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें उसको देख लेते हैं। ये अपने पास एल्कोहल दिया हुआ है, एल्कोहल कोई सा भी हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ऐसा नहीं है कि इसमें टर्सरी के साथ ही डिहाइड्रेशन रिएक्शन आप कराओगे, डिहाइड्रेशन किसी का भी करो, चाहे प्राइमरी का, चाहे सेकेंडरी का, चाहे टर्सरी का। तो डिहाइड्रेशन हम कर रहे हैं कंसेंट्रेट H2SO4 से हीट करके, ध्यान रखना हीटिंग जरूरी है। तो यहाँ दो तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, दो एल्कीन बन रही है, एक मेजर है एक माइनर है। एक्चुअल में क्या होगा कि जैसे ही मैं इस एल्कोहल पर, अब कंसंट्रेट H2SO4 है तो उसके पास दो आयन होंगे H प्लस और HSO4 माइनस, हाइड्रोजन आयन होगा और हाइड्रोजन सल्फेट आयन होगा। तो ये ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर को डोनेट करेगा किसको, इस H को। ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर को किसको देगा, इस H प्लस को देगा। जैसे ही लॉन पेयर इसको देगा तो H2 निकलेगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस वाले कार्बन पर। देखो प्रोडक्ट बन गया है, मतलब ये आपने इंटरमीडिएट बना दिया है। ये इंटरमीडिएट बना है, इसका रीअरेंजमेंट हो सकता है भाई। कार्बोकैटायन यहाँ पर ये जिस पोजीशन पर लगा हुआ है और यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर तो इसको दो ही अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं और यहाँ पर आते ही इसको 4 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, 5 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। फिर से रिपीट करता हूं कि यहां पर जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाले। जब पॉजिटिव चार्ज को यहां लगाओगे तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 5 अल्फा हाइड्रोजन। इसलिए रीअरेंजमेंट कर रहे हैं यहां पर हम। तो हाइड्रोजन क्या होगा, यहां का जो हाइड्रोजन है उसको आप शिफ्ट कर दोगे किधर, इस हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दोगे इधर, ठीक है। और बदले में पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे यहाँ पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन रीअरेंज हुआ, तो रीअरेंज होगा तो रीअरेंजमेंट करने के बाद ये वाला कंपाउंड, ये इंटरमीडिएट बन के तैयार हो गया है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब मैंने क्या किया, HSO4- का अटैक कराया, HSO4- बेस है भाई, आप टेम्परेचर भी तो यूज कर रहे हो साथ में। और मैंने आपको बताया था कि हाई टेम्परेचर पर न्यूक्लियोफाइल किसका काम करता है, बेस का काम करता है। तो ये दोनों, ये एसिडिक हाइड्रोजन है अपने पास, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये दोनों ही CH बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन में है। तो इनका अटैक आप करा सकते हो। एक तो पाथ ये होगा ए पाथ, और दूसरा पाथ होगा बी पाथ। अगर आप ए के अकॉर्डिंग रिएक्शन कराओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये ब्यूटुइन बनके तैयार होगी। और बी पर अगर अटैक कराओगे तो ब्यूट वन इन प्रोडक्ट बनके तैयार होगा। दोनों में से आप खुद ही सोचिए इस बात को कि दोनों में से कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ब्यूटुइन, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, इसलिए यहाँ पर ब्यूटुइन मेजर प्रोडक्ट होगा और ब्यूट बनीन यहाँ पर क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। इसको बोलते हैं सेजेफ एल्कीन, जो मोर स्टेबल एल्कीन होती है दैट इज सेजेफ एल्कीन, और लेस स्टेबल जो एल्कीन होती है दैट इज हॉफमैन एल्कीन। तो सेजेफ प्रोडक्ट है ये, इस प्रोडक्ट को नाम देंगे सेजेफ प्रोडक्ट। और ये लेस स्टेबल जो एल्कीन बन रही है दैट इज
Hoffman product. So Sajjay product will be major product in this reaction. Carbocation ka formation RDS hai, pehla step hi RDS hai, dekh sakte ho, pehla step hi isme RDS tha, step 1 RDS tha, isliye yahan par kya hoga, carbocation ka banna RDS hai, to iski stability, is reaction ki jo rate hogi wo carbocation ki stability ke directly proportional hogi, aur carbocation rearrange ho sakta hai, aur reaction ki rate सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगी लेकिन बेस पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि पहले स्टेप में बेस का अटैक नहीं हो रहा है और रिएक्शन की जो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी है वो किसके इक्वल है, वन के इक्वल है, देख सकते हो ना, वन प्लस जीरो करोगे तो ऑर्डर क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, और फर्स्ट स्टेप में ओनली क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में बेस का अटैक तो हो ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा ना, इसलिए यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, वन होगी। ये रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो डिफरेंस आया वो टेम्परेचर का आया मेनली, टेम्परेचर से रिएक्शन, टेम्परेचर से क्या होगा कि जो रिएजेंट होंगे, रिएक्टेंट होंगे, उनकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी और एंट्रोपी बढ़ने की वजह से क्या होगा कि वो एलिमिनेशन को फेवर करेगा, सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन को फेवर करता है। इस रिएक्शन के अंदर ड्राइविंग फोर्स टेम्परेचर होता है जो कि एंट्रोपी को बढ़ा देता है, और डिहाइड्रेशन रिएक्शन की जो रेट होगी वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो आपको बताया था मैंने। अब आते हैं E2 पर, E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन के अंदर जो एग्जांपल है, E2 मतलब समझ ही रहे हो, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। पहला एग्जांपल है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी हैलाइड विद स्ट्रॉन्ग बेस लाइक एल्कोहलिक KOH NaNH2 पोटेशियम इथोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल एल्कोहल। ये सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। इन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करें प्राइमरी सेकेंडरी हैलाइड का, ठीक है, तो ये E2 की कैटेगरी में आता है। और दूसरा है डिहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन भी हटे और हैलोजन भी हटे एडजेसेंट कार्बन से, कि एक कार्बन से हैलोजन और उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन। डिहैलोजिनेशन में क्या होगा, दोनों ही कार्बन से, दोनों दो एडजेसेंट कार्बन से हैलोजन निकले, उसको बोलते हैं डिहैलोजिनेशन रिएक्शन। ये काम या तो जिंक डस्ट से होता है या फिर NaI एसीटोन से होता है। अब NaI एसीटोन फिंकलिस्टीन रिएक्शन में और आता है, ध्यान रखना, लेकिन फिंकलिस्टीन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, वहां पर एक ही हैलोजन लगा हुआ होता है, और डिहैलोजिनेशन जब करोगे तो सब्सट्रेट के अंदर दो हैलोजन लगे हुए होंगे। अब ये कंपाउंड दिया हुआ है आपको एल्का हैलाइड, इस पर एक स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन आपने कराई, तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये एक्चुअल में रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है, एक ही स्टेप इसमें इन्वॉल्व होता है, दो स्टेप में काम नहीं होता है। जो पहला स्टेप होता है इसी में जो OH माइनस होगा ये एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढ करके अटैक करेगा, और आपको पता है कि ब्रोमीन अगर यहां से निकलेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर ब्रोमीन निकलेगा तो इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आना है कि नहीं आना, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज किसके साथ हाइपर कंजुगेशन में है, या तो इस CH बॉन्ड के साथ या फिर वो इस CH बॉन्ड के साथ हाइपर कंजुगेशन में है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर ब्रोमीन को यहां से निकालना है तो उसके लिए OH माइनस के पास अटैक करने के लिए दो पोजिशन है, पी और क्यू पोजिशन नाम दिए मैंने, पी पोजिशन और क्यू पोजिशन। अगर P पर अटैक करता है, OH- का अटैक अगर P पोजीशन पर होता है तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये P पाथ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया है, देखो मैंने इंटरमीडिएट बनाया है, इंटरमीडिएट नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा, एक ही स्टेप है ये। तो P पाथ पर, P पाथ के अकॉर्डिंग अगर अटैक करें OH- का, तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, OH का अटैक होगा H पर, तो यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और अगर क्यू पाथ के अकॉर्डिंग OH- का अटैक करोगे तो इस H पर ये OH आकर के लगेगा, ये बॉन्ड फॉर्म होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जब भी इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट बनती है E2 में तो अल्टरनेट बॉन्ड
मतलब कि फॉर्मेशन कॉन्जिक्यूटिव इस तरह से बॉन्ड्स होंगे कि पहले फॉर्मेशन ब्रेकिंग इस तरह का ऑर्डर फॉलो होता है। तो दोनों ही ट्रांजिशन स्टेट मैंने आपको बता दिए। अब दोनों में से मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट कौन सी है? भाई यही एक स्टेप आरडीएसएस के अंदर, एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, यही स्टेप आरडीएस है। तो इसमें से जो पहला जो स्टेप है, इसमें जो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, और ये देखो दूसरा जो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, इन दोनों में से किसमें ब्रांच ज्यादा होंगी? सेकंड वाले केस में ब्रांच ज्यादा होंगी, मोर ब्रांच। तो वो ट्रांजिशन स्टेट यहां पर उस ट्रांजिशन स्टेट से बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल होगा जिसमें ब्रांच ज्यादा है, मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस से यहां पर बनेगा आपके पास सेज प्रोडक्ट, स्टेबल एल्किन बनेगी। देख पा रहे हो, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और लेस ब्रांच जो आपके पास इंटरमीडिएट, लेस ब्रांच आपके पास जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज हॉफमैन प्रोडक्ट, क्योंकि उससे बनने वाली एल्किन क्या है, लेस स्टेबल है। तो कंफर्म कर सकते हो ना कि सेज प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि वो प्रोडक्ट स्टेबल है, मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट से फॉर्म हो रहा है, ऐसी ट्रांजिशन स्टेट से बन रहा है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेज ज्यादा है, इसलिए उस ट्रांजिशन स्टेट से बनने वाले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी या उस ट्रांजिशन स्टेट से बनने वाले प्रोडक्ट का यील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, सेज प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। और ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग बेस इस रिएक्शन को फेवर करता है। इस रिएक्शन को फेवर कौन करता है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कंप्लीट होना चाहिए आपका कि स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो SN2 को फेवर करता है, वीक बेस जो है वो, एक मिनट, ये मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस SN2 को फेवर नहीं, यहाँ पर हम करेंगे, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर SN2 लिख दिया है, स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स E2 रिएक्शन। क्योंकि अगर बेस, अगर जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर उसकी बेसिक नेचर है, अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है और हाई टेम्परेचर दे रखा है तो डेफिनेटली वहाँ एलिमिनेशन होगा। और अगर वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो वो SN2 की तरफ अप्रोच करेगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस E2 को फेवर करेगा और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 को फेवर करेगा। अब ये जैसे एग्जाम्पल देखो, जिंक डस्ट और NaI एसीटोन, मैंने क्या बताया था कि यहाँ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है, डीहैलोजिनेशन बनेगा यहाँ पर। देखो डीहैलोजिनेशन का मतलब क्या होगा कि दो कंजिक्यूटिव कार्बन से हेलोजन का रिमूवल होगा, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ भी ट्रांजिशन स्टेट ही बनेगी, जिंक जो है अपने दो इलेक्ट्रॉन को निकाल के Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, और फिर यहाँ पर इसका अटैक अगर आप कराओगे तो अटैक कराने पर वो फिर से ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। जैसे NaI है तो Na+ I- होगा, I- का अटैक होगा इस पर Br पर, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, Na और Br के बीच बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और ट्रांजिशन स्टेट के बनने के बाद क्या होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग सडनली पॉसिबल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन होगा। तो दोनों ब्रोमीन निकालने, यहाँ से दोनों ब्रोमीन निकलेंगे, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं, डीहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो समझ में आ गया होगा कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या होता है, कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में एक कार्बन से हेलोजन, एक कार्बन उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता, CH3CH यहाँ हाइड्रोजन होता और यहाँ पर Br लगा होता और मैं रिएक्शन करा देता एल्कोहलिक OH के साथ, तो क्या होता, इस OH- का अटैक कराते कहाँ पर, इस वाले हाइड्रोजन पे, ट्रांजिशन स्टेट बनती, CH बॉन्ड ब्रेक होता, C और C के बीच डबल बॉन्ड आता, यहाँ से ब्रोमीन निकलता। तो ये काम एक ही स्टेप में होता और यहाँ से बन जाता CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन का फॉर्मेशन होता और साथ में KBr का फॉर्मेशन हो जाता। तो डीहैलोजिनेशन में दो एडजेसेंट कार्बन से क्या निकलेगा, दो हैलोजन निकलेंगे, जबकि
डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के अंदर एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन और हेलोजन निकलेगा। तो ये मैंने आपको थ्योरी के अंदर बता दिया है कि SN1, SN2 और E1, E2 रिएक्शंस किस टाइप से होती हैं। आप लोगों को समझ में आई होंगी सभी तरह की रिएक्शन, कि आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि हम इन चारों रिएक्शन को इजिली रिलेट कर सकते हैं कि भाई अगर टर्सरी हैलाइड है और वीक निक्लोफाइल है तो हम किसकी तरफ अप्रोच करेंगे, SN1 की तरफ। अगर टर्सरी हैलाइड है और वीक बेस है तो हम अप्रोच, और हाई टेम्परेचर है तो हम अप्रोच किसकी तरफ करेंगे, E1 की तरफ। अगर अपने पास प्राइमरी हैलाइड है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो हम SN2 करेंगे। अगर सेकेंडरी हैलाइड होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो भी SN2 होगी। सेकेंडरी हैलाइड होगा और वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN1 होगी, ठीक है। टर्सरी हैलाइड होगा और उसमें अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो वहां पर फिर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, वहां पर एलिमिनेशन होगा और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो टर्सरी एल्का हैलाइड प्लस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है, वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। और टर्सरी हैलाइड के साथ वीक बेस होगा तो E1 रिएक्शन होगी, और प्राइमरी सेकेंडरी हैलाइड के साथ अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वहां पर E2 रिएक्शन होती है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जैसे आप कंसंट्रेट H2SO4 की बात कर रहे थे तो वो रिएक्शन क्या थी, E1 रिएक्शन की कैटेगरी में आ रही थी, क्योंकि वहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, एक अच्छा लिविंग ग्रुप लगा हुआ था। एक हमेशा एक अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप अगर लगा हुआ है तो वो हमेशा E1 को या फिर SN1 को फेवर करता है, और अगर मॉडरेट लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो SN2 या E2 को फेवर करता है। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर चलते हैं। एन असर्जन एंड ए रीजन, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। असर्जन रीजन आपको दिए हुए हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला ऑप्शन तो है अपने पास कि विनाइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजिली। तो विनाइल हैलाइड होता क्या है, जैसे कि ये बना दिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, इसका नाम होगा विनाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, विनाइल क्लोराइड। आप देख सकते हो कि यहाँ क्लोरीन जो है इसके पास लॉन पेयर होंगे, ये लॉन पेयर इन पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। तो कार्बन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, सी और सी एल के बीच की जो बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है ये क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो क्या बॉन्ड का टूटना आसान होगा, नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर विनाइल हैलाइड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं होता है। अब अगर आपसे कहा जाएगी रीजन अगर पढ़े हम, इवन दो द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो रहा है, कार्बोकैटायन स्टेबल होता ही नहीं है। अगर यहां पर आप CH2 डबल बॉन्ड CH पर पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे तो कार्बन किस पे आया, पॉजिटिव चार्ज किस पे आया, उस कार्बन पर आया जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है कि नहीं है। इस कार्बन का जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अगर आप पॉजिटिव चार्ज लगाओगे तो स्टेबिलिटी कम होगी, तो उस कार्बन को स्टेबलाइज कार्बोकैटायन आप कैसे कह सकते हो उस कार्बोकैटायन को। तो ये ऑप्शन आपका रीजन जो है इनकरेक्ट है। इवन दो द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन, और पाई इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड नहीं है। क्यों, पाई इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड तो होते हैं लेकिन उसकी वजह से क्या कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, नहीं, क्योंकि कार्बोकैटायन जो लूजली हेल्ड है उसकी वजह से यहाँ पर रेजोनेंस भी हो गया है, और रेजोनेंस होने के कारण कार्बन और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई है, उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गई है। क्लीवेज इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, हाँ बात तो सही लिखी हुई है यहाँ पर, लेकिन बस फर्स्ट पार्ट के अंदर गड़बड़ है कि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड, तो कार्बोकैटायन स्टेबलाइज नहीं हुआ है, डी स्टेबलाइज हुआ है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन, ए इज करेक्ट स्टेटमेंट बट आर इज रॉन्ग स्टेटमेंट, assertion is correct but reason is wrong।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मेजर प्रोडक्ट वाई इन दी फॉलोइंग रिएक्शन इज, अब जरा ध्यान से देखेंगे, मैंने लिख दिया यहाँ पर हीट. आपको बताया था टेम्परेचर अगर दे दिया जाए तो रिएक्शन कहाँ चली जाती है, एलिमिनेशन की तरफ चली जाती है. और आपको पता है ETO- और Na+ स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ETO- स्ट्रॉन्ग बेस होता है. तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि मैं यहाँ पर प्रोडक्ट बना दूं, रिएक्टेंट को बना दूं इस तरीके से, पहले तो ETO- और Na+ और हीट कर रहे हो साथ में, तो रिएक्शन कौन सी होने वाली है, E2 होने वाली है. सेकेंडरी हैलाइड है ये, सेकेंडरी हैलाइड हो गया और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग एलिमिनेशन को फेवर करेगा, E2 हो जाएगा. अब इसमें सैजा प्रोडक्ट बनेगा. अगर आप यहाँ पर सोचो इस बात को कि अगर डबल बॉन्ड को यहाँ लगाते तो कितने अल्फा हाइड्रोजन मिलते उस डबल बॉन्ड को, एक अल्फा हाइड्रोजन मिलता ये वाला. और अगर आप डबल बॉन्ड को यहाँ लगाते हैं तो कई सारे अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, तो ये डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, ये बन गया पहले तो, इसको बोलेंगे X. अब रिएक्शन कराई मैंने HBr के साथ, अब सिंपली एडिशन रिएक्शन की तरह काम होगा. ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एच की तरफ जाएंगे, एच प्लस की तरफ जाएंगे और इससे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होने वाला है. यहां करके लग जाएगा एच और इस कार्बन पर पॉजिटिव. हम इसमें अपोजिट अगर करते कि सपोज करिए कि अगर मैं इस कार्बन पर लगाता हाइड्रोजन और इस कार्बन पर लगाता प्लस चार्ज, तो ये वाला जो प्लस है क्या वो स्टेबल है, नहीं है ना. लेफ्ट वाला जो प्लस लगाता तो वो स्टेबल कम होता, राइट वाला प्लस ज्यादा स्टेबल है, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, इसलिए मैंने इसमें ये बनाया इंटरमीडिएट को. अब इसके बनने के बाद Br- का अटैक कराना है अपने को, तो Br- का अटैक करने पर क्या बन जाएगा, ये सब कुछ एज इट इज था, ये ब्रोमीन का फॉर्मेशन, ब्रोमीन लग जाएगा यहाँ पर आकर के, हाइड्रोजन यहाँ पर ऑलरेडी लगा ही हुआ था इस तरीके से, हाइड्रोजन लगा हुआ था. तो मैच करिए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, आई थिंक सी ऑप्शन इज करेक्ट. समझ गए होंगे आप लोग. तो पहले हमने क्या कराया, E2 रिएक्शन को कराया, और बाद में तो सिंपली एक एडिशन रिएक्शन है जो आप हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्कीन चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा है. एल्किन और मार्कोनिकोव रूल से भी आप काम कर सकते हो. ये जो आप X से Y अगर फॉर्म कर रहे हो, ये Y है, तो Y जो फॉर्म कर रहे हो ये आप मार्कोनिकोव रूल से भी कर सकते हो. ऐसा कार्बन जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं उस पर लगेगा नेगेटिव चार्ज का मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, और जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा. तो H+ का अटैक लेफ्ट वाले कार्बन पे होगा और Br- का अटैक राइट वाले कारण पे होगा. चलिए बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ. ये भी 2019 में ही पूछा गया था. मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, एल्का हैलाइड दिख रहा है, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना क्वेश्चन कैसे पूछा गया है. एल्का हैलाइड दिया गया है और CH3OH, जरा नोटिस करो ये क्या है, ये है भाई साहब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. सेकेंडरी हैलाइड है, सेकेंडरी हैलाइड और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वीक न्यूक्लियोफाइल. अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो वीक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है. न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन होगा CH3OH में, ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा, तो वीक न्यूक्लियोफाइल सेकेंडरी एल्का हैलाइड. मैंने आपको बताया था कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 होगी नहीं होगी. चलिए बहुत अच्छी बात है, SN1 होगी. अब ये जो अपने लिखा था CH3 CH CH3 CH Br CH3, तो ये CH3OH सॉल्वेंट, इसका भी डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है,
ये भी सॉल्वेंट क्या करेगा कि CH और BR के बीच एट्रैक्शन को कम करेगा और वो स्टेप RDS होगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, तो कार्बोकैटायन बन गया। और बताया था कि SN1 रिएक्शन के अंदर कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है, तो आप इसको रीअरेंज कर देंगे। कैसे? ये जो कार्बन, ये वाला जो H लगा हुआ है, इस H को मैं पहुंचा दूंगा इस वाले कार्बन के ऊपर, और इस पॉजिटिव चार्ज को ले आऊंगा मैं इस वाले कार्बन के ऊपर। तो 3 मेंबर्ड की एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और उससे फॉर्मेशन होगा इसका CH3 इस कार्बन पर प्लस, और H चला जाएगा इस कार्बन पे, तो CH2 और CH3 और यहाँ CH3 एज इट इज। अब कार्बोकैटायन का क्या फर्दर रीअरेंजमेंट हो सकता है? नहीं, स्टेबल हो गया ये। देखो पहले केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, उस पे 4 अल्फा हाइड्रोजन थे। दूसरे केस में अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए हैं? 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए हैं। तो इसलिए मैंने रीअरेंजमेंट कराया था स्टेबलाइज कराने के लिए, स्टेबल है ये। अब क्या करेंगे? दूसरा स्टेप होता है CH3OH का अटैक होगा ऑक्सीजन का लोन पेयर, इसके पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। वो बात की बात है कि रेसिमाइजेशन होता है, दोनों साइड से अटैक होता है, वो बात की बात है। यहाँ उसमें उसकी स्टोइकोमेट्री, उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, उसकी बात नहीं की गई है। यहाँ सिंपली प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि प्रोडक्ट किस टाइप का बनेगा। तो यहाँ पर जैसे ही ऑक्सीजन इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, तो ऑक्सीजन का पार्शियल, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो वो एस से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, एच प्लस निकल जाएगा यहाँ से, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा? CH3 कार्बन पर CH3 अगेन, और वो CH3 मिथॉक्सी ग्रुप आके लगेगा CH2 एंड CH3। तो ईथर का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, ईथर का। अब सोचो कि अगर यहाँ अल्कोहल होता, सॉरी वाटर अगर यहाँ पर होता तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता, और अगर अल्कोहल को आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन होगा। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? सी ऑप्शन यहाँ पर मैच हुआ, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। हाँ बिल्कुल, ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, बढ़ते हैं फिर से। इसको आप लिख सकते हो ETO- और Na+। अगेन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस और हीटिंग और दी हुई है साथ में। देखो ध्यान से, हीट करोगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस, और हेलाइड कौन सा है, हेलोजन कौन सा है? ये टर्सरी है ना, इस कार्बन की डिग्री क्या है? टर्सरी तो हो गई। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस जो है लगाते ही, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हो, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है साथ में, तो एलिमिनेशन को फेवर करने वाला है, ठीक है ना, एलिमिनेशन को फेवर करेगा। एलिमिनेशन होगा तो यहां पर आपको बताया कि सेज़ प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। अब सेज़ कैसे बनाओगे भाई? इस कार्बन से तो क्लोरीन हटाना है, इस कार्बन से तो क्लोरीन को हटना है, और उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन हटना है। अब ये एडजेसेंट कार्बन हो गया, इस पर हाइड्रोजन हटाना है, सॉरी यहां से तो क्लोरीन हटा इस कार्बन से, तो इसका एडजेसेंट कार्बन, ये 2 कार्बन है देखो, और ये भी कार्बन है, लेकिन इस नीचे वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, ऊपर वाले पर और लेफ्ट वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है। अब बताओ कौन से कार्बन से हाइड्रोजन निकालें कि हमारे पास मोर स्टेबल एल्कीन बने। अगर मैं ऊपर वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालता हूं तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, तो वहां पर जो डबल बॉन्ड लगेगा, जो डबल बॉन्ड बनेगा
जो एल्कीन बनेगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। देखिए मैं प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा हूं, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये कार्बन एज इट इज, ठीक है, और ये स्टीरियो केमिस्ट्री का कोई यूज नहीं है। अब इनको डैश और वैश को हटा दीजिए, कंफ्यूज अगर आप हो गए हो तो। अब देखना ध्यान से, ये COO CH2CH3 ये तो हो गया एज इट इज, इस कार्बन से हटेगा हैलोजन, ठीक है। या फिर आप ये सोच के चलो यार कि NaETO- और Na+, भाई ये हाइड्रोजन है और यहां पर ये वाला हाइड्रोजन है, अगर आप इस ETO- का अटैक इस वाले हाइड्रोजन पे कराते हो, अगर आप इसका अटैक इस पे कराते हो तो क्या होगा, मोर स्टेबल या मोर ब्रांच वाली ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, नहीं बनेगी, मोर ब्रांच वाली ट्रांजिशन स्टेट बनके तैयार होगी। जबकि अगर आप इसका अटैक इस वाले हाइड्रोजन पे कराते तो यहां से लेस स्टेबल या लेस ब्रांच वाली ट्रांजिशन स्टेट बनके तैयार होती। तो ऊपर वाले यहां पर हाइड्रोजन को हटाने पर, ऊपर वाले कार्बन के हाइड्रोजन को हटाने पर मोर ब्रांच एल्कीन का, मोर ब्रांच ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, इसलिए मैं वहां से एच को हटाऊंगा तो बनेगा CH CH3 और यहां पर CH3 एज इट इज। आप इस बात को खुद ही सोचिए, अगर सपोज करिए मैं यहां डबल बॉन्ड लगा देता, ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिलते है, कम मिलते। अब यहां अल्फा, यहां पर आपने डबल बॉन्ड को लगाया है तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डेफिनेटली यहां लगने वाले डबल बॉन्ड के अल्फा हाइड्रोजन से ज्यादा ही होंगे, इसलिए यहां पर क्या होगा कि इस डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इस प्रोडक्ट जो यहां पर बनाया है यही यहां पर सहज प्रोडक्ट है, ध्यान रखना सहज प्रोडक्ट की बनने की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सहज प्रोडक्ट बनेगा यहां पर इस तरीके से। E2 रिएक्शन को फेवर कर रहा है, ये E2 को फेवर कर रहा है। ठीक है ना, तो आंसर चेक कर लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है इसका। बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, ए वाला ऑप्शन कब आता, देखो ए वाला ऑप्शन तब आता जब यहां पर आप इस वाले लेफ्ट वाले हाइड्रोजन को निकालते। आप समझ गए होंगे कि ए ऑप्शन के अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है एल्कीन के, या फिर बी ऑप्शन के अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, बी ज्यादा स्टेबल है या फिर ए ज्यादा स्टेबल है। ए वाले केस में तो ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है और बी केस में यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, बी वाले केस में यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो नो डाउट बी इज मोर स्टेबल देन ए, सो आंसर विल बी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी 2019 में ही पूछा गया है, इसके अंदर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट विद AgNO3, AgNO3 से रिएक्शन करने पर किससे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। तो सिंपल सी बात है यार, जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो Br निकलता है, अब Br निकलेगा तो AgNO3 से ट्रीट करके क्या बनेगा, AgBr बनाएगा। तो अब पहले वाले केस में तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ये बनेगा, दूसरे केस में इंटरमीडिएट इस तरह से बनेगा, थर्ड वाले केस में इंटरमीडिएट क्या बनेगा, और फोर्थ वाले केस में इंटरमीडिएट एक हाईली स्टेबल ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन बनके तैयार होगा, ये है। तो फोर्थ वाले स्टेट में यहां पर आप देख सकते हो कि जो कंपाउंड बनाया है मैंने, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो
फोर्थ कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फोर्थ के बनने वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट बनाने की जो टेंडेंसी होगी सबसे ज्यादा कौन से केस में होगी, डी वाले केस में होगी। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2020 में ही पूछा गया है, इसी साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस जैसे CH3 CH2 CH2 Br रिएक्ट विद Z- इज न्यूक्लियोफाइल, जो दिए हुए हैं आपको दो न्यूक्लियोफाइल दिए हुए हैं, दो न्यूक्लियोफाइल आपको दिए हुए हैं। अब ध्यान से देखना कि आपको यहाँ पर दो प्रोडक्ट बना रखे हैं, जो सेकंड वाला जो प्रोडक्ट है एक्चुअल में ये हो सकता है आप लोग को नहीं दिख रहा हो, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HZ प्लस Br-, तो सेकंड वाला जो प्रोडक्ट मतलब दो रिएक्शन यहाँ पर किए हैं, फर्स्ट रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है, दूसरी है एलिमिनेशन। फर्स्ट का जो रेट कांस्टेंट है वो KS है और सेकंड का रेट कांस्टेंट KE है। आपको ये बताना है कि दोनों में यहाँ पर म्यू बी और म्यू ए इसका ऑर्डर क्या होगा और कौन सा रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा। जरा नोटिस करना कि जो अपने पास ए है ये क्या है, इसकी बल्किनेस कम है, बी वाला बल्कि ज्यादा है, तो बी वाला यहां पर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि बी यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस है, ए यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो यहां पर कौन ज्यादा आसानी से एलिमिनेशन रिएक्शन को करेगा, नो डाउट एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है, बेस जो होता है वो एलिमिनेशन रिएक्शन को करता है और सब्स्टिट्यूशन को कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल करता है। तो बी वाले केस में एलिमिनेशन फेवरेबल होनी चाहिए, ए वाले केस में सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल होनी चाहिए। ए वाले केस से भी एलिमिनेशन हो सकती है अगर ए वाले केस में हम उसके साथ अगर हीट को यूज करें, तो हीट को यूज करने पर वहां पर एलिमिनेशन होगी, लेकिन बी से हमेशा ही एलिमिनेशन होगी क्योंकि बी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो बी के साथ रिएक्शन करने पर आपको क्या मिलेगा, तो बी के साथ रिएक्शन करने पर आपको ऑलवेज एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो बी के एलिमिनेशन रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी होगी, तो अगर मैं बात करूं ए रिएक्शन के लिए, ए रिएक्शन के लिए सब्स्टिट्यूशन की जो रेट होगी वो एलिमिनेशन से ज्यादा है, और बी रिएक्शन बी के लिए, बी रिएजेंट के लिए एलिमिनेशन की रेट सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा है। तो ए के लिए अगर आप बात करोगे म्यू, म्यू की बात करोगे तो म्यू ए, म्यू ए क्या होगा, के एस ऑफ ए अपॉन के ई ऑफ ए, और आपको पता है कि ए के लिए, ए रिएजेंट के लिए के एस इज ग्रेटर देन के ई, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन वन। और बी वाले केस में एलिमिनेशन की रेट सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा है, अब एलिमिनेशन की रेट सब्स्टिट्यूशन से अगर ज्यादा है तो के एस और के ई का जो रेशियो होगा ये वन से लेसर होगा। अब म्यू ए ग्रेटर देन वन है, म्यू बी अगर लेस देन वन है, तो नो डाउट म्यू ए की वैल्यू म्यू बी से ज्यादा होगी, एंड के ई की वैल्यू बी के लिए के ई की वैल्यू ए से ज्यादा होगी। हाँ, नो डाउट, बिल्कुल सही बात है, ए के लिए सब्स्टिट्यूशन इज मोर फेवरेबल एंड बी के लिए एलिमिनेशन इज मोर फेवरेबल। तो बी यहां पर बल्कि होने के कारण स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता है, स्टेरिक एंड्रेंस न्यूक्लियोफिलिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक मेजर रोल प्ले करती है। तो स्टेरिक एंड्रेंस, अगर मान लो कि अपने पास कोई रिएजेंट दिया जाए और उसकी स्टेरिक एंड्रेंस ज्यादा हो, वो बल्कि हो, तो डेफिनेटली उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, चाहे वो एक अच्छा बेस हो। पर हाँ, बी एक अच्छा बेस होता है, बहुत अच्छा बेस होता है, इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है और बहुत ही तगड़ा बेस है ये, इसलिए इसकी एलिमिनेशन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो बी की
एलिमिनेशन की जो रेट होगी वो ए के एलिमिनेशन की रेट से ज्यादा होगी और ए के सब्स्टिट्यूशन की रेट बी के सब्स्टिट्यूशन की रेट से ज्यादा होगी। तो होपफुली आपको आंसर पता चल गया होगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा कि म्यू ए ग्रेटर देन म्यू बी एंड एलिमिनेशन जो है वो बी के लिए ए से ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट वाले केस में कंसेंट्रेट H2SO4 साथ में हीट भी दिया हुआ होगा, तो यहाँ पर देखते हैं क्या बनेगा। ये भी क्वेश्चन 2020 का ही पूछा हुआ है। जो आपके पास ए है CH3 आपके पास है इस कार्बन पर तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं CH OH CH3। सबसे पहले तो H+ का अटैक डिहाइड्रेशन होगा, यहां पर H2 निकलेगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगेगा और CH3 बनेगा। उसके बाद इसका रीअरेंजमेंट कर सकते हो। इसका रीअरेंजमेंट अगर करोगे तो क्या बनेगा, CH3 ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा ना इधर और पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा इधर इस वाले कारण पे। इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो यहां पर इस कार्बन पर लगेगा प्लस चार्ज और ये बन जाएगा CH3 और ये लग गया। अब क्या बनेगा, अब HSO4- का अटैक होगा हाई टेम्परेचर पे जो कि बेस का काम करेगा और एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा। सेज्जेफ एल्किन बनेगी जो कि लेस स्टेबल है, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वाली एल्किन बनेगी नो डाउट। इस एल्किन का फॉर्मेशन होगा तो मोर स्टेबल एल्किन बनी है, सेज्जेफ एल्किन बनी है। ए प्रोडक्ट क्या है, सेज्जेफ है। बी वाले का जो प्रोडक्ट होगा एल्कोहलिक KOH SN2 को फेवर करेगा। तो इस वाले केस में एल्कोहलिक KOH E2 को फेवर करेगा। इस वाले केस में OH- का अटैक कराओगे आप ऐसे हाइड्रोजन पर जहां से एक स्टेबल एल्किन का फॉर्मेशन हो, तो यहां से जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा भाई, इस कारण पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं ऑलरेडी और यहां से BR यहीं पर डबल बॉन्ड लगेगा CH और CH3। अगर यहां से आप H को हटाते तो यहां पर क्या होता, फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड आता, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम होते। इस पोजीशन से अगर आप H को हटाओगे तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिलेंगे, इसलिए यहां पर सेज्जेफ एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है। तो ए और बी दोनों से सेज्जेफ प्रोडक्ट बना है, सी से। अब ये बल्की बेस है बहुत, तो स्टेरिक एंड्रेंस पहले से इसके पास है, तो ये कभी भी ऐसे हाइड्रोजन पर अटैक नहीं करेगा जो कि मोर स्टेरिक एंडर्ड हो। इसका अटैक हमेशा किस पे होगा, ऐसे हाइड्रोजन पे होगा जिसकी स्टेरिक एंड्रेंस कम होगी। तो इससे बनेगा हॉफमैन प्रोडक्ट। तो सी वाले का जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा ये CH3 का होल ट्वाइस एंड CH, इस कारण पे H लगाई हुआ था और डबल बॉन्ड CH2। तो थर्ड वाला जो प्रोडक्ट बनाया दैट इज हॉफमैन प्रोडक्ट। और डी वाले का जो प्रोडक्ट बनेगा, डी रिएक्शन एक इवन सीवी रिएक्शन है, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर बाय कॉन्जुगेट बेस। OH- का अटैक कराओगे इस वाले हाइड्रोजन पे, ये वही रिएक्शन है जैसे एल्डोल से एल्डोल कंडेंसेशन आप करते हो। तो इसका अटैक इस पे होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और यहां से OH ग्रुप निकल जाएगा।
तो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी सी एस थ्री का ऑल ट्वाइस सी डबल बॉन्ड सी एच सी एच ओ। तो ये इस तरीके से फॉर्मेशन होगा और ये प्रोडक्ट भी यहां पर सहजैव प्रोडक्ट है। तो डी वाले केस में यहां पर क्या हुआ, डी वाले केस में भी सहजैव प्रोडक्ट बना, एक स्टेबल एल्किन का फॉर्मेशन हो रहा है। ए और बी से भी सहजैव प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन सी से हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। तो ऐसा कौन सा है जिसमें सहजैव प्रोडक्ट नहीं बना, तो सी ओनली। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रोजिनेशन इवन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो डिहाइड्रोजिनेशन की जो इवन रिएक्शन की जो रेट होती है, अच्छा डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा यहाँ पर, ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होना चाहिए। ये यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन नहीं, यहाँ पर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होना चाहिए। इसको आप सही कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। ये यहाँ पर वही डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इवन रिएक्शन की रेट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। ए का जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ये होगा, बी वाले केस में जो कार्बोकैटायन बनेगा इस तरीके से होगा। हाँ लेकिन ये रीअरेंज हो सकता है, ये रीअरेंज अगर इसको कराओगे तो क्या बनेगा, ये रीअरेंज होकर के ही बन जाएगा। इसको भी रीअरेंज करा सकते हो फर्स्ट वाले को। ये बनेगा थर्ड वाले से कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा भाई, थर्ड वाले से ये कार्बोकैटायन बनेगा जो कि ए में रीअरेंजमेंट करने के बाद बन रहा है। और डी वाले केस से कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, डी वाले केस में वो कार्बोकैटायन बनेगा जो कि बी वाले केस में रीअरेंजमेंट करने के बाद फॉर्म हो रहा है। इन चारों कार्बोकैटायन में से डी और बी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी भाई, नो डाउट। ये कार्बोकैटायन कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल है तो डी और बी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब डी और बी दोनों को कैसे कंपेयर करोगे, अब बी में जो इनिशियली जो कार्बोकैटायन था ये तो डी के ओरिजिनल कार्बोकैटायन से कम ही स्टेबल होगा। इसलिए मैं यहां पर क्या कहूंगा कि डी की जो रेट होगी वो बी की रेट से ज्यादा होगी। अब सी और ए, ए का कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होने के बाद सी के इक्वल है, दोनों सेम है रीअरेंजमेंट होने के बाद, लेकिन रीअरेंजमेंट होने से पहले तो ए कम स्टेबल है, इसलिए यहां पर सी की स्टेबिलिटी ए से ज्यादा होगी। तो डी सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल है। और तो डी और बी दोनों ही कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल है, इसलिए डी और बी को पहले लिया है। ए और सी में कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है इसलिए वो लेस स्टेबल है। डी बी से ज्यादा स्टेबल है क्योंकि डी के अंदर बिना रीअरेंजमेंट किए ही कॉन्जुगेशन हो गया है, जबकि बी के अंदर रीअरेंजमेंट करने के बाद कॉन्जुगेशन होगा। और सी के अंदर और ए के अंदर अगर हम बात करें, सी और ए को कंपेयर करें, तो सी में जो पॉजिटिव चार्ज इस कारण पे लगा हुआ है वो बिना किसी रीअरेंजमेंट के ही वहां पर आया है, जबकि ए के अंदर रीअरेंजमेंट करने पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए सी की स्टेबिलिटी ए से ज्यादा होगी। तो इसका आंसर आपका होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज दी व्हाट इज दी प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन हेक्स थ्री आयनल एन ए बी एच फोर पी बी आर थ्री एम जी ईथर CO2 हाइड्रोलाइसिस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले तो आप हेक्स थ्री आयन अल को फॉर्म कर लोगे, तो हेक्स का मतलब हो गया सिक्स कार्बन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब इसमें थर्ड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे आप, ये
ये थर्ड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, और उसके बाद ये जो कार्बन है फर्स्ट वाला, ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा तभी तो बनेगा हेक्स थ्री आयन हल। तो ये बनाया हेक्स थ्री आयन हल। अब इसकी रिएक्शन अगर आप कराओगे NaBH4 के साथ, NaBH4 CHO ग्रुप को रिड्यूस कर देगा। NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, तो इसको रिड्यूस करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो रिड्यूस होकर के ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पर इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अब उसके बाद आपको रिएक्शन करानी है PBr3 के साथ, जो अगेन SN2 रिएक्शन है, ब्रोमीन आएगा और OH को हटाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन हो गई फिर से। ये यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, और ये CH2Br, OH हटेगा और Br लगेगा, SN2 रिएक्शन हो गई, सब्स्टिट्यूशन। आप Mg ईथर से रिएक्शन करोगे तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा, ये Mg पर पार्शियल पॉजिटिव और इस CH2 पर पार्शियल नेगेटिव, तो एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब इसकी रिएक्शन करानी है आपको CO2, CO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये कार्बन के ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव है इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, O की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, O पे पार्शियल नेगेटिव, जिसका जेड इफेक्टिव कम होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, और ये इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कराएगा, या फिर आप डायरेक्टली भी ये काम सोच सकते थे, क्योंकि ये अल्टीमेटली बन तो सेम ही रहा है कि अगर आप O के इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे O को दे भी दोगे तो बनने वाला प्रोडक्ट तो सेम ही होगा। तो इस CH2 ने जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर था इसने इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया, तो अटैक करके इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हुए, क्योंकि यहाँ पर CO जो होता है तो CO एक पोलर बॉन्ड होता है, और पोलर बॉन्ड के अंदर कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो यहाँ क्या बनेगा भाई, फिर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड पहले से ही आ रहा था, CH2 और COO-. अब आपको क्वेश्चन में गिवन है आप इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, तो जो आपको COO- बनाया है आपने, इसका क्या हो जाएगा, यहां पर H आकर के लगेगा और यहां पर ये कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। अब जरा चेक करके देखिए कि ये कंपाउंड किसके आइडेंटिकल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, तो यहाँ तो मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, बाकी फर्स्ट थर्ड फोर्थ में तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम भी नहीं है, तो आप क्लियर समझ सकते हो कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये क्वेश्चन भी 2020 में ही पूछा गया है, तो होपफुली आप लोगों को ये ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए हैं ये ऑर्गेनिक हैलाइड्स के लिए आपको समझ में आए होंगे, और आपका जो डाउट्स होते हैं कि भाई SN2 SN1 और E1 E2 में डिफरेंस क्या होता है, कौन सी रिएक्शन को हम कब करते हैं, तो ये हम इस छोटी सी क्लास के अंदर, छोटी सी वेबिनार के अंदर हमने कवर किया। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। तो आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं।